ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी के शाहगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां सीएम नहीं बनाए जाने पर उनका दर्द छलकाया। विधानसभा क्षेत्र बुधनी के शाहगंज पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कभी कभी राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है, लेकिन यह भी किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई नहीं छीन सकता। वरिष्ठ बीजेपी नेता शिवराज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि लाडली बहनों भांजा भांजियों के साथ उनका सदैव स्नेह प्यार बना रहेगा। अपने मामा के लिए आए हैं, बहनों की योजनाएं भी जारी रहेंगी और भांजे भांजियों के कल्याण में भी कोई कसर नहीं रहेगी, चाहे गरीब हो किसान हो। हमने कई तरह की बातें कही है, लाडली बहना के लिए जो कहा है वो हम करेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थोड़ी है, और अपनी सरकार काम करेगी। किसानों के लिए जो वचन दिए वो भी पूरे होंगे। लाडली बहनों के साथ साथ लाडली बहना आवास जैसी योजनाएं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, इन सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, और क्या। और ये चिंता मत करना, मेरी जिंदगी आपके लिए है, जनता जनार्दन के लिए है, बेटा बेटियों के लिए है, मेरी बहनों के लिए है। इस धरती पर इसलिए आया हूं मैं, तुम्हारी जिंदगी से दुख दर्द दूर करने, आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।